गुड मॉर्निंग एंड व्हाट इज अप गाइस। तो कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीलॉग में, जिसमें एक आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो एक मेरे लिए काफ़ी चैलेंजफुल हो चुका है 2024 में आगे बढ़ने के लिए। जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 100 डेज मिनी व्लॉग चैलेंज, यानी कि 100 डेज आएगा मिनी व्लॉग। यानी कि मैं व्लॉग की आपसे उम्मीद या मेरे से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मेरी रूटीन लाइफ इतनी काम से घिरी हुई है जिसमें मैं व्लॉग नहीं कर सकता डेली। इसलिए मैंने सोचा कि मिनी व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आई होप सो मैं कर पाऊँ और ये चैलेंज स्टार्ट कर सकूँ। और ये चैलेंज आई थिंक मैं 14 या 15 तारीख से स्टार्ट करूँगा। जब भी मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, क्योंकि नहीं भी मिलेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक टाइम पे। तो ये चैलेंज मेरे लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि मेरी रूटीन लाइफ इतने सारे कामों और जॉब के प्रेशर से इतनी ज़्यादा घिरी हुई है, जिससे मेरे को हफ्ते में एक बार वीडियो शूट करने का टाइम मिलता है, और जिसमें भी मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके एक बार एक हफ्ते वीडियो शूट करता हूँ, एक हफ्ते एडिटिंग करता हूँ, दूसरे दिन अपलोड करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए बहुत 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 हार्ड वर्क हो जाता है ये वीडियो लाने का, और ये चैलेंज भी मेरे लिए काफ़ी हार्ड होने वाला है, क्योंकि 100 डेज और बिना स्किप किए हर एक दिन पे मिनी व्लॉग लाना मेरे लिए काफ़ी हार्ड होगा। पर चैलेंज एक्सेप्टेड मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी और अपने चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ भी करेंगे। ये चैलेंज मेरे लिए भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक दिन पे हर एक नया थॉट और नए स्टाइल में लाना एक नया वीडियो, यानी एक मिनी व्लॉग भी ले लो आप, क्योंकि एक शॉर्ट में भी इतनी जान डालनी पड़ती है तभी वो पॉपुलर या वाइबफुल होता है। और मेरे लिए एक काफ़ी कंसिस्टेंट होना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पुरानी चैनल का टर्मिनेट होना और नई चैनल पे अचानक से ग्रोथ लाना एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करने जैसा है, एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े रहना जितना मुश्किल है। यानी कि आप समझो कि इतनी सारी मुश्किलों को फेस करके मेरे को 100 डेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं 100 डेज चैलेंज स्टार्ट करूँगा 14 या 15 तारीख से। अभी डेट कंफर्म नहीं है, पर जब भी मैं स्टार्ट करूँगा तब से 100 डेज तक, और वो आगे एक्सपेंड भी हो सकती है, जो मुझे रूटीन में और रेगुलरी में मुझे जम गया तो मैं आगे भी बढ़ाऊँगा, साल भी कर लूँ पता नहीं। पर मैंने अभी सोचा है सिर्फ 100 डेज करूँगा, तो अभी आगे देखते हैं। ये मेरे लिए कमबैक करना एक बहुत बड़ी मुश्किल के सामने फेस करने जैसा हो चुका है, क्योंकि मैंने एक ही टाइम पे दो दो चैनल स्टार्ट कर दिए। एक मैं जो व्लॉग वाली चैनल चला रहा हूँ, और दूसरी जो मैं हिस्टोरिकल चैनल चला रहा हूँ, और तीसरी भी गेमिंग चैनल पर, उस पर अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। पर जो हिस्टोरिकल चैनल और ये व्लॉग वाले चैनल है, उसको मैं कंसिस्टेंसी आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि 100 डेज चैलेंज कंप्लीट तो करना बनता है। मैं हर रोज काफ़ी सारे डेली व्लॉगर्स को देखता हूँ और उनके डेली व्लॉग्स देखता हूँ, पर मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे एक सवाल पैदा होता है कि मैं डेली व्लॉग कर पाऊँगा। क्योंकि डेली व्लॉग में क्या है, जो मेरा जॉब का टाइमिंग है, घर का रूटीन लाइफ है, और उसमें उसके बीच में व्लॉग करना, फिर एडिटिंग करना और हर एक वीडियो डालना बहुत 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 बड़ी बात है। तो जो हो सकती नहीं है और बीच बीच में टूट जाएगी तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है डेली का स्टार्ट करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक मिनी व्लॉग स्टार्ट करते हैं डेली के लिए, यानी कि अभी डेली नहीं पर 100 डेज, यानी कि 100 डेज कंटिन्यूसली मिनी व्लॉग आएंगे। तो वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है 2024 का। और मैंने 2024 में दोनों चैनल को एक साथ आगे बढ़ाने का जो दृढ़ निश्चय होता है वो ले लिया है, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं कोई एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ और चैलेंज के सामने मैं खड़ा रह सकता हूँ, और जो मैं डिफेंड कर सकता हूँ वैसा कोई मैं चैलेंज लूँ और उसको मैं पूरा करूँ, वैसा मैं माइंडसेट रख रहा हूँ। क्योंकि 100 डेज एक मिनी व्लॉग लाना और हर एक दिन पे एक नई चीज़ें लाना, एक बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ के सामने ऐसा कुछ करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आई होप सो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आप मुझे बेस्ट विशेस दीजिए, क्योंकि मैं 100 डेज कंप्लीट करना चाहता हूँ और उसको कंटिन्यूसली करना चाहता हूँ, क्योंकि चैनल को अब आगे बढ़ाने का मोटिव बहुत बड़ा हो चुका है मेरे लिए। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा बिग। तो लेट्स होप कि 100 डेज कंप्लीट कर पाऊँ मैं।
होप कि ये 100 डेज कम्प्लीटली पूरे हो जाए। तो मैं एक ऐसी आशा रखता हूँ कि 100 डेज कम्प्लीट पूरे हो जाए और मैं जो 100 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ वो भी कम्प्लीट हो गए, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। तो इसी के साथ, जो आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो और जो मेरा चैलेंज है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं, और जो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको सब्सक्राइब कर देना, तो और भी नई नई चीज़ें आएगी जो आपको देखने को मिलेगी हर एक टाइम पर मेरे चैनल पर। और जो दूसरी ध्रुवील राणा, इनके ध्रुवील ओरिजिनल चैनल है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस ही आते हैं, तो उसको भी आपको जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो आपको अच्छा लगेगा चैनल, क्योंकि उस पर भी हिस्टोरिकल चैनल पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो वो भी आप देख सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट मिनी व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।